गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट. सो टुडे वी आर गोइंग टू सॉल्व सम एक्सरसाइज ऑफ लेसन नंबर 12. ओके क्लास थर्ड लेसन नंबर 12. ओके लेसन नंबर 12 आज हम सॉल्व करेंगे. इसके में कुछ एक्सरसाइजेस दी हुई हैं तो इनको आज हम सॉल्व करेंगे. ओके सो देखिए पहला क्वेश्चन जो है पेज नंबर 82 पे दिया हुआ है और इसमें क्वेश्चन पूछ रहा है कि लुक केयरफुली एट द पिक्चर एंड राइट व्हाट वर्क इज बीइंग डन बाय डिफरेंट पीपल. ठीक है ना. तो ये हमें सॉल्व करना है कि इसमें आपको पिक्चर में देखना और बताना है कि लोग किस किस काम में लगे हुए हैं, अलग अलग लोग कौन कौन सा काम कर रहे हैं. ठीक है. तो आप देख रहे होंगे कि पिक्चर में आपको दिख रहा है कि कुछ बच्चे स्कूल की तरफ भाग रहे हैं, टीचर्स भी स्कूल जा रहे हैं, टी स्टॉल पे कुछ लोग बैठे हुए हैं, उन्हें जो वर्कर्स हैं चाय ऑफर कर रहे हैं और कुछ लोग न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, कुछ डॉक्टर एंड नर्सेस हॉस्पिटल के अंदर एंट्री कर रहे हैं. तो इस तरीके की जो एक्टिविटीज़ हैं वो क्या हो वहाँ हो रही हैं. तो यही आपको बताना है कि पिक्चर्स के अकॉर्डिंग उस इमेज में क्या क्या हो रहा है. ओके तो चलिए फर्स्ट वाला आप देखेंगे. तो पहला आप लिखेंगे चिल्ड्रेन रनिंग टू वॉट्स स्कूल. चिल्ड्रेन जो हैं वो स्कूल की तरफ भाग रहे हैं या दौड़ रहे हैं क्योंकि बच्चे क्या हो गए हैं, लेट हो गए हैं, तो वो स्कूल की तरफ क्या है भाग रहे. चिल्ड्रेन रनिंग टू वॉट्स स्कूल. तो देखिए लेसन नंबर हमारा क्या है 12 है. लेसन नंबर हमारा है 12. ओके तो वर्क वी डू. तो चलिए देखिए कुछ और है इसमें. फिर फर्स्ट पॉइंट पे है चिल्ड्रेन रनिंग टुवर्ड्स स्कूल. सेकंड आप क्या लिख सकते हैं अ वुमेन गोइंग टुवर्ड्स पोस्ट ऑफिस. और उसके बाद थर्ड है अ पीपल वर्क फोर पीपल वर्किंग ऑन कंस्ट्रक्शन ऑफ अ बिल्डिंग. चार पीपल जो हैं वो चार लोग जो हैं वो मिलकर एक बिल्डिंग को बनाने का काम कर रहे हैं. ठीक है. फिर एक अ मैन सेलिंग, एक आदमी है जो कि चाय बेच रहा है. ठीक है ये आपको करना है. उसके बाद फिफ्थ नंबर पे सम किड्स आर प्लेइंग अंडर द ट्री. कुछ बच्चे जो हैं वो पेड़ के नीचे खेल रहे हैं. आपको भी दिख रहा होगा एकदम क्लियर इमेज दिख रही है कि बच्चे क्या कर रहे हैं पेड़ के नीचे खेल रहे हैं. फिर अ डॉक्टर इज़ गोइंग टू वॉट्स हॉस्पिटल. डॉक्टर जो है वो हॉस्पिटल की तरफ बढ़ रहा है. ठीक है ये 6 पॉइंट हमारे हो गए हैं इसके. ठीक है तो ये मैं आपको इमेज सेंड करूंगी. बस मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ कि कहाँ कहाँ क्या क्या चीज़ें हो रही हैं. आपने भी देखा है कि फर्स्ट सेकंड इमेज में क्या क्या हो रहा था कि डॉक्टर नर्सेस हॉस्पिटल के अंदर एंटर कर रहे हैं. एक लेडी जो है वो अपने बालों में उसने फ्लावर लगाया हुआ पोस्ट ऑफिस के अंदर जा रही है. एक लेडी है जो बास्केट लेके बैठी हुई है उसमें बहुत सारे फ्लावर्स लेके बैठी है बेच रही है. है ना. एक बार्बर है जो कब से वेट कर रहा है कि कोई तो आए जिसके मैं हेयर कट करूँ इस तरीके से. फिर एक ट्रैफिक पुलिस है जो कि लोगों को चिल्ला रहा है विसल बजा रहा और कह रहा है कि अपने गाड़ी यहाँ से हटाइए, अपने व्हीकल्स यहाँ से हटाइए, अपने कार्ट यहाँ से हटाइए. ना इस तरीके से हर कोई अपने ही काम में व्यस्त है. ठीक है तो इस तरीके से ये फर्स्ट वाला हो गया. तो फर्स्ट में ये पेज नंबर 82 जो है पेज नंबर 82 पे जो है खोलिए जरा पेज नंबर 82 वाला ही एक्सप्लेन कर रही थी मैं आपको. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है कि लुक केयरफुली लेसन नंबर 12 है. ओके लेसन नंबर 12 कर रहे हैं हम अच्छे से ध्यान से करना है. लेसन नंबर 12 वर्क वी डू. ओके कंफ्यूज मत होइएगा. लेसन नंबर 12 कर रहे हैं वर्क वी डू और पेज नंबर 82 का फर्स्ट क्वेश्चन जो कि मैंने अभी अभी आपको एक दो बार एक्सप्लेन कर दिया ये हो गया कि फर्स्ट वाले में बच्चे सबसे पहला पॉइंट आप क्या लिख सकते हैं चिल्ड्रेन आर रनिंग टुवर्ड्स स्कूल. स्कूल की तरफ चिल्ड्रेन क्या कर रहे हैं दौड़ रहे हैं. तो फर्स्ट पॉइंट आप ये लिख सकते हैं. सेकंड आप क्या लिख सकते हैं कि अ वुमेन गोइंग टुवर्ड्स पोस्ट ऑफिस. एक वुमेन जो है वो पोस्ट ऑफिस की तरफ जा रही है. अ वुमेन गोइंग टुवर्ड्स पोस्ट ऑफिस. ठीक है ना. बस उसमें जो जो इमेज में एक्टिविटीज़ हो रही है वही आपको यहाँ पे लिखना है और बताना है. ओके फिर फोर पीपल
थर्ड नंबर पे लिखिए फोर पीपल वर्किंग, फोर पीपल वर्किंग ऑन कंस्ट्रक्शन, वर्किंग ऑन कंस्ट्रक्शन ऑफ अ बिल्डिंग, कंस्ट्रक्शन ऑफ अ बिल्डिंग. फोर्थ नंबर पे अ मैन सेलिंग, अ मैन सेलिंग टी, अ मैन सेलिंग टी एट द टी स्टॉल, एट द टी स्टॉल. ठीक है, ये फोर्थ नंबर पे हो गया. फिफ्थ नंबर पे आप क्या लिख सकते हैं, सम सम किड्स, सम किड्स प्लेइंग, सम किड्स प्लेइंग अंडर द ट्री, सम किड्स प्लेइंग, कुछ बच्चे जो हैं वो ट्री के नीचे बैठकर खेल रहे हैं. ठीक है, उसके बाद एक पॉइंट आप क्या लिख सकते हैं, अ डॉक्टर इज गोइंग टुवर्ड्स हॉस्पिटल, अ डॉक्टर इज गोइंग टुवर्ड्स, अ डॉक्टर इज गोइंग टुवर्ड्स हॉस्पिटल. ओके, तो ये सिक्स पॉइंट आप लिख सकते हैं. ओके, फ्रूट सेलर जो है वो अपने कार्ट में फ्रूट बेच रहा है. ओके, इस तरीके से हमारा ये सॉल्व हो गया है. तो चलिए इसके बाद हम आते हैं पेज नंबर 83 पर. ओके, ये फर्स्ट वाला मैंने करवा दिया, बाकी मैं इमेज सेंड करूंगी, इसमें को मैंने करवा दिया. ओके, अब पेज नंबर 83 में आते हैं. इसमें पूछ रहा है व्हाट काइंड ऑफ वर्क डू पीपल इन योर नेबरहुड, आपके पड़ोस में किस तरह का काम लोग करते हैं. नेम एनी फाइव, व्हाट आर दीज वर्कर्स कॉल्ड, तो पाँच लोगों के नाम बताइए कि वो किस किस प्रकार के क्या क्या काम करते हैं. तो फर्स्ट आपके लिए किया हुआ है रिपेयर कार्स एंड स्कूटर्स, जो कार और स्कूटर को रिपेयर करता है वो कौन होता है, मैकेनिक, वो कौन होता है, मैकेनिक. नाउ सेकंड वन इज क्योर्स द पेशेंट या ट्रीट्स द पेशेंट, है ना, जो मरीजों का इलाज करते हैं वो कौन होते हैं, डॉक्टर. ओके, एजुकेट्स स्टूडेंट्स, जो बच्चों को पढ़ाते हैं, बच्चों को एजुकेट करते हैं वो कौन होते हैं, टीचर. थर्ड है सेल्स मिल्क, जो दूध बेचता है वो कौन है, मिल्कमैन. रन्स आ शॉप, जो दुकान चलाते हैं वो होते हैं शॉपकीपर. फिर लास्ट में है सेल्स फ्रूट ऑन द पुश कार्ट, जो लोग फल बेचते हैं अपने ठेले पे, जिस ठेले को समझते हैं ना, पुश कार्ट को, जिसको ऐसे धक्का दे के आगे बढ़ाते हैं, तो वो है आपका फ्रूट सेलर. ओके, ये दो चीज़ें आपकी हो गई. इसके बाद आगे बढ़ते हैं, देखिए इसमें लिखा हुआ है इन द पिक्चर ऑन द फर्स्ट पेज ऑफ दिस लेसन सम बिल्डिंग्स हैव बीन शोन, तो मतलब फर्स्ट पेज में आपको जो बिल्डिंग्स दिख रही हैं उनमें आपको रेड सर्कल करना है, बाकियों में आपको ग्रीन और येलो करना है, अगर वो बिल्डिंग्स आपके आसपास कहीं हैं तो. ओके, तो पहले पेज में आपको दिख रहा है, पहले पेज में देखिए, पहले पेज में आपको पोस्ट ऑफिस दिख रहा है, है ना, पहले पेज में, तो पोस्ट ऑफिस को टिक करिए. और इसी पेज, ये पेज पूरा एक ही है, तो यहाँ स्कूल भी दिख रहा है, स्कूल को भी टिक कर दीजिए. ठीक है, अब इनको रेड से करिएगा, ठीक है ना, रेड कलर से. और अब ग्रीन से किसको करेंगे, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग, आपके घर के आसपास बहुत ऊंचे ऊंचे लोग घर बनवाते हैं तो वो मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है. फिर शॉप, शॉप को भी ग्रीन कलर से करिए, क्योंकि आपके घर के आसपास शॉप बहुत सारी होती हैं. बैंक होते हैं, गुरुद्वारे होते हैं, तो इनको आपको ग्रीन से करना है, जो आपके घर के आसपास है. बाकी ये जो इसमें था आपके पेज नंबर फर्स्ट में, तो स्कूल और पोस्ट ऑफिस है. ओके, चलिए ये हो गया आपका, यहाँ से पेज नंबर 83 भी कंप्लीट. ओके, पेज नंबर 84 पर आते हैं. पेज नंबर 84 में अगर आप देखेंगे नेम ऑफ द बिल्डिंग एंड वर्क डन, तो ये चलिए हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे. ओके, थैंक यू सो मच.